देश की अधिकांश आबादी गांवों में बसती है। महती योजनाओं के द्वारा यहां की तस्वीर बदलने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। विलेज सैनिटेशन मैप या ग्राम स्वच्छता मानचित्र हमारे ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन में सबसे अहम हिस्सा है, सबसे अहम पार्ट है। ये मानचित्र हमारी प्लानिंग को दर्शाता है। इस मानचित्र में हम लोग पूरे गांव का जो नक्शा रखते हैं, उस नक्शे में किस जगह पे हमारे जो है तरल कचरे के लिए सोकपिट बनना है, कहाँ पे हमें व्यक्तिगत सोकपिट बनाना है, कहाँ पे हमें सार्वजनिक सोकपिट बनाना है, कहाँ पे मैजिक पिट बनना है, कहाँ पे लीच पिट बनना है, इसी प्रकार से जो हमारे गांव में नाली है, किन किन नालियों की सफाई करने की आवश्यकता है, किन नालियों की मरम्मत की आवश्यकता है और कहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नाली बनाने की आवश्यकता है, इसको दर्शाया गया है। इसी प्रकार से ठोस कचरे के लिए कहाँ कहाँ पे हमें कचरा पात्र रखना है, कहाँ कहाँ पे हमें नैडिप कंपोस्टिंग पिट बनाना है और हमारा जो संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र या रिसोर्स रिकवरी सेंटर किस स्थान पे गांव में बनेगा, उस चीज को दर्शाया गया है। इसके लिए राजस्थान में जो हमने विधि अपनाई है कि गूगल अर्थ प्रो के माध्यम से KML फाइल इसकी तैयार की जाएगी, जिसमें हर किसी गांव का ये जो है स्वच्छता मानचित्र जो है ऑनलाइन गूगल प्रो के माध्यम से हम लोग देख पाएंगे। किसी भी जगह पे जूम करके देखा जा सकता है कि इस गांव में ये सोकपिट बना है तो कहाँ पे बना है, ये नाली जो सफाई होनी है तो ये कौन सी नाली है, कितनी लंबाई की नाली है। इसके लिए गाइडलाइन में भी एक प्रॉपर कलर कोडिंग दी गई है जिसके अनुसार से ये स्वच्छता मानचित्र तैयार करना है। तो हमारी प्लानिंग जितनी बेहतर होगी उतना बेहतर हमारा ये स्वच्छता मानचित्र होगा और जितना कंप्लीट, जितना सही हमारा ये स्वच्छता मानचित्र होगा उतना ही सही हमारे आगे की ये प्रणाली रहेगी। इसको बहुत ही केयरफुली बनाना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक गांवों का चहुंमुखी विकास नहीं होगा तब तक विकास की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती। आज गांवों के विकास के लिए सफाई और स्वच्छता महत्वपूर्ण बन गई है। तो विलेज सैनिटेशन मैप बनाना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये आवश्यक होता है कि ये असेस किया जाए कि क्या करना है, क्या करने के लिए वर्तमान में क्या उपलब्ध है और कहाँ हम जाना चाहते हैं और उस गैप को कैसे एक्शन पॉइंट्स के माध्यम से फुलफिल करें। सुनने में बड़ा हाईटेक लगता है बट इसको करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि कॉम्प्रिहेंसिव रूप से हमारे पास पूरे राजस्थान का स्वच्छता मैप उपलब्ध हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे एक गांव का मैप हो गया और अगर उस पंचायत में 5 गांव हैं उनको मिला दिया तो हमने एक पंचायत का स्वच्छता मैप तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद सारी पंचायतों को मिला दिया तो एक ब्लॉक का, फिर एक डिस्ट्रिक्ट का और इस तरह पूरे राजस्थान का। मेरा ये अनुमान है कि अप्रैल महीने में 2021 में हमारे पास पूरे राजस्थान का डिजिटल स्वच्छता मैप उपलब्ध होगा, जहाँ राजस्थान के प्रत्येक गाँव में नालियों की स्थिति से लेकर कहाँ पे सोक पिट्स बनानी है, कहाँ पे कंपोस्टिंग यार्ड्स बनाने हैं, कहाँ पे आरआरसी हैं, ये सूचना हमें एकजाई रूप से उपलब्ध हो। ये केवल हम इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल टेक्नोलॉजी की सेक के लिए, बल्कि इससे प्रबंधन में बहुत आसानी मिलेगी। हमें राज्य सरकार के स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कोई भी अधिकारी या जो भी इसमें एंगेज होना चाहता है एनजीओ, उसको तुरंत पता लग जाएगा कि क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम होना बाकी है और किस तरह से हो रहा है। इसमें जियोग्राफिकल इश्यूज भी हैं। फॉर एग्जांपल पानी के फ्लो के लिए हमको ग्रेडियंट देखना पड़ता है कि ढलान किस तरफ है और इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो हमारे जो नरेगा में इंजीनियर्स हैं और वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो GIS एक्सपर्ट्स हैं उनका ही हमने उपयोग करके ये सारी परियोजना बनाई है। तो हमने कोई बाहर से, दूसरे राज्य से या दूसरे देश से कोई एक्सपर्ट यूज़ नहीं किया है। हमारे पास जो लोकल एक्सपर्टीज उपलब्ध है उसी का ही उपयोग किया है। ये मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तकनीक की इस क्रांति ने गांव गांव में दस्तक दे दी है। स्वच्छता के खुलते द्वार से न सिर्फ गांव स्वस्थ होंगे बल्कि विकास की नई डगर पर चलेंगे। आइए जन सहयोग दें। स्वच्छ राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान।